But if you close your eyes. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है SRIC कॉमर्स बर्ज। मैं सीएमए प्रीतम राठी आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पर्सनल कोर में मुझे बोला कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बताइए आप हमें। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे में आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट तैयार करी है मैंने, जिसमें मैंने आपके लिए थ्योरेटिकल, पहले मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बनाए सारे बिल्ड करे, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है एक तरीके से, वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस की बात करेगा, या फिर इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाई इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हैव सुपीरियरिटी ओवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि नाउएडे आजकल लोग वेल्थ कंपनीज जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्यों फोकस ज्यादा कर रही है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मतलब हर साल ये क्वेश्चन तो एक तरीके से आता ही आता है, रिपीट हो गए। ठीक है, अच्छा, कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है कई बार, जैसे राइट द शॉर्ट नोट ऑन या फिर कमेंट ऑन द, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। वोल्टर्स मॉडल के बारे में आ जाता है, जॉर्डन्स मॉडल, एक ये क्वेश्चन है जो कि आपका 2013 के कोरस्पॉन्डेंस में, 2012 के कोरस्पॉन्डेंस में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विद ए स्टेटमेंट आता है ये, ए बर्ड इन द हैंड, एक स्टेटमेंट है, ये शायद 2013 के कोरस्पॉन्डेंस में एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, बाकी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। अच्छा, शॉर्ट नोट में सी पार्ट जो आता है हमारा, मोदी ग्लानी एंड मिलर थ्योरी, जिसे MM अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दो चैप्टर के अंदर आता है MM अप्रोच, खाली एक चैप्टर में नहीं, दो चैप्टर में आता है। और जो एक चैप्टर में खाली MM अप्रोच के नाम से आता है, एक में आता है कि MM अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इन दोनों में डिफरेंस की बात भी आ जाती है कई बार। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होती है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल बस्टिंग, ये कैपिटल बस्टिंग से कैसे डिफरेंट होती है। वर्किंग कैपिटल फॉर्म तो पता होगा ना आप लोगों को, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कई बार क्या आता है, इफेक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑब्लिक या फिर एक्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, या आपको 2012 के कोरस्पॉन्डेंस में आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो एक और क्वेश्चन क्या होता है, फैक्टर दैट इफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो आपका 12th का क्वेश्चन हमें बिजनेस में ही पढ़ा होगा 12th में आपने वाला क्वेश्चन, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आ गया, कंपैरिजन बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR। ये तो कम इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पे बैक पीरियड मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इन दोनों में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 2014 में भी आया है ये नॉन कॉलेज में, और 2017 के कोरस्पॉन्डेंस में भी ये क्वेश्चन आया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स लिमिटेशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका ईयर लिखना भूल गया हूँ अभी यहाँ पे, लेकिन भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये भी कई बार फर्स्ट क्वेश्चन ही, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बताया था मैंने, उसके साथ में ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी काफी साल एवरी ईयर या फिर वन ईयर लेफ्ट करके आ जाता है हमारे पास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मोर देन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओनली प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड नहीं होता, इससे ज्यादा होता है। एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, क्या फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है, खाली प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड होता है नहीं, उसका और क्या काम होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्ड करना, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन बनाना, डिविडेंड डिसीजन बनाना, तो ये सारे पॉइंट्स के अंदर लिखना है। ये क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है, ठीक है, पेपर में खाली एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं आता, ये कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं, आंसर सेम ही बनता है इसका। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन कौन से होते हैं, ये भी इसी का ही पार्ट है, और भी मैंने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं कई बार। अच्छा हाँ, एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एवरी टू या थ्री टू ईयर्स में रिपीट हो जाता है, ए रुपीज ऑफ टुडे इज नॉट इक्वल टू द रुपी ऑफ द टुमारो, यानी कि आज जो रुपए की वैल्यू है वो जो कल जो होगी उससे ज्यादा है आज, यानी कि इक्वल नहीं है ना, आज जो एक रुपए की वैल्यू है और एक रुपए की वैल्यू जो कल होगी, दोनों इक्वल नहीं है। कि इसमें किस कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी लग जाती है इसके अंदर, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा FM के अंदर, डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, मोस्टली से ये वाला बोलते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है। कई बार क्या आता है, कमेंट ऑन द नेट इक्विटी इज कॉस्ट मोर कॉस्टली देन द रिटेन अर्निंग, ये भी कमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और एक और क्वेश्चन के साथ क्या आता है, डेब्ट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन द इक्विटी, यानी कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो सस्ता सोर्स होता है किससे, फाइनेंस से, एज कंपेयर टू फाइनेंस, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, नेट इक्विटी कॉस्टलियर देन द रिटेन अर्निंग, कंपनी पास रिटेन अर्निंग होती है, कह रहे कि नेट इक्विटी क्या होती है, ज्यादा कॉस्टली महंगी पड़ती है कंपनी को एज कंपेयर टू रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग पता है, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके उसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम क्या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। अब जो प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो प्रॉफिट बचा उसको दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं हम, एक होता है रिटेन अर्निंग जो अपने कंपनी पर बचा के रख लेती है, दूसरा डिविडेंड बांट देते हैं जिसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है, डिविडेंड बांट देते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। और ये कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मतलब जो कभी कभार आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज 2016 के नॉन कॉलेज में आए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखवा रखे सब जगह, 2012 का कोरस्पॉन्डेंस, 2014 का कोरस्पॉन्डेंस, 2017 का कोरस्पॉन्डेंस, मैंने सब मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे 2016 का नॉन कॉलेज, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, आपको कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर कहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने वो मेंशन कर दिया कहाँ पे आपको मिलेगी, आपको आंसर ढूंढने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, कभी एक बार रिपीट हो जाता है, जैसे ईओक्यू का क्वेश्चन होता है ना, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन, एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो लास्ट में हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा टोटल क्या हो गया, थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, तो इनमें से 100% क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एफएम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनसे हम बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका जो चैप्टर है कैपिटल बस्टिंग, उसका क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। मोस्टली चांस किसके होते हैं, आपके नेट प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चन के चांस होते हैं, उसके बाद इसके साथ ही किसके इक्वल चांस किसके होते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR के होते हैं, और बाकी थोड़े से कम चांस होते हैं प्रॉफिट पे बैक पीरियड मेथड, छोटा क्वेश्चन होता है 4-5 मार्क्स में कई बार आ जाता है, इंपोर्टेंट है ये भी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, कौन सी इनमें कमेंट करने के लिए बोलता है, IRR के बेस पे कंपनी के ऊपर कमेंट करो, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे बताओ कौन सी कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो रेयरली आता है थ्योरी में भी आता है कई बार, ARR, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ MN, पीछे बताया था आपको थ्योरी वाले में ARR की लिमिटेशन बताओ, इनके क्वेश्चन कहां कहां पे आएगा आपके प्रैक्टिकल, जैसे AR का जो क्वेश्चन है 2016 में कोरस्पॉन्डेंस में आया हुआ आपका, ठीक है, प्लस 2015 के कोरस्पॉन्डेंस में भी आया है, आप चेक कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, ऐसे में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ सकता, अगर मैं क्वेश्चन समझाने बैठूंगा तो हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ अभी मैं बस, ठीक है। इसके बाद ये मैंने बता दिया, पे बैक पीरियड मेथड क्वेश्चन कहाँ पे मिला, 2014 के कोरस्पॉन्डेंस में मिल जाएगा आपको, IRR के तो बहुत सारे क्वेश्चन 2015 के नॉन कॉलेज में, 2013 के कोरस्पॉन्डेंस में, 15 के कोरस्पॉन्डेंस में, ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे सिंपल, फ्री के नंबर है तो बिल्कुल भाई कोई छोड़ेगा नहीं नंबर को, ठीक है। ये क्या है आपका, एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सिंपल सा क्वेश्चन आता है बिल्कुल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, में डेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज के लिए क्रेडिट पीरियड अलाउड कर रखा होता है, तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपस में माइनस करनी होती है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, 2014 का कोरस्पॉन्डेंस एंड रेगुलर दोनों मिलेगा, 2013 के कोरस्पॉन्डेंस में मिलेगा आपको, रेगुलर में मिलेगा, और हर पेपर में मिल जाएगा, तो मैंने कुछ बहुत रेयर कम लिखे हैं मैंने तो बहुत ही, हर पेपर में मिलेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री के नंबर, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल का, ठीक है, ये बहुत ज्यादा तो नहीं आता लेकिन 3-4 साल में एक बार रिपीट हो जाता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है डायरेक्ट, मतलब आपके पास 5-6 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालनी होती है, जो आपकी एसेट्स के डेज होते हैं उसमें से लायबिलिटीज क्रेडिटर्स के डेज माइनस करने होते हैं, आपकी वर्क ऑपरेटिंग साइकिल आ जाती है आपकी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन, 100% क्वेश्चन आता है, जो स्टार्टिंग में टॉपिक लिखे हुए सारे वो टॉपिक है जो 100% आते हैं पेपर में, जो चांस ही नहीं होते कि ना आए। सबसे इसके अंदर कौन सा डिविडेंड डिसीजन कौन सा आता है, वोल्टर्स मॉडल, कौन सा मॉडल है, वोल्टर्स मॉडल, इसे क्वेश्चन कब आया है, 2016 के कोरस्पॉन्डेंस में, 2014 के आपका कोरस्पॉन्डेंस में आया, उसमें भी इसमें क्या करना होता है, मैं बताना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है कि कंपनी को कितना डिविडेंड पे आउट करना चाहिए, अगर कंपनी का रिटेन अर्निंग R इज मोर देन K कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, नो डिविडेंड, कंपनी को कोई डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में,
ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर पे कर रखा है तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कंपनी हैज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वोल्टर्स मॉडल, ठीक है। अगर R इज इक्वल टू K, R मीन्स रिटेन अर्निंग, K मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों इक्वल है तो एवरी डिविडेंड इज ऑप्टिमम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर प्राइस कितनी भी पे आउट रेशो कर लो सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। अच्छा अगला क्या आ गया आपका, अगर हमारा रिटेन अर्निंग लेस देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी कि हमारी इनकम कम हो रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, फुल डिविडेंड जितना डिविडेंड सारा बांट दो, कि ग्रोथ कोई फर्म क्या है, ग्रोथ फर्म है डिक्लाइन फर्म है, फर्स्ट फर्म कौन सी है ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म और ये डिक्लाइन फर्म। इसके बाद आता है जॉर्डन मॉडल के हिसाब से शेयर प्राइस निकालने के लिए आता है, इसका क्वेश्चन नंबर 14 के रेगुलर में आया हुआ है, इसका थ्योरी का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एमएम अप्रोच का क्वेश्चन आता है एक, विद कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, एमएम अप्रोच में कंफ्यूज नहीं होना, एमएम अप्रोच के दो क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने वाला आता है, एक दूसरा क्वेश्चन आता है बाद में बताऊंगा अभी नीचे आएगा, तो ये हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे पहले कैपिटल बजटिंग वाला मैंने बताया था, ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल वाला बताया मैंने, ठीक है, उसके बाद डिविडेंड डिसीजन वाला, तीनों का एक एक क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लेवरेज एनालिसिस की, किसकी बात करेंगे, लिवरेज एनालिसिस में कौन से लिवरेज आते हैं, आपके ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइंड द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइंड फाइनेंशियल लिवरेज, फाइंड कंबाइंड लिवरेज, बड़ा सिंपल है, बहुत ये भी बिल्कुल फ्री के नंबर है, ये नंबर भी किसी को नहीं छोड़ने, पेपर में क्वेश्चन आता है तो 100% आपके 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल फ्री के नंबर है, बिल्कुल कब कब आया, 2016 कोरस्पोंडेंस में आया है, 2015 के भी कोरस्पोंडेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद इनडिफरेंस लेवल, इसमें थोड़ा सा विदाउट मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने में, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, इनडिफरेंस एनालिसिस ईबीटी ईपीएस एनालिसिस का क्वेश्चन होता है, तो 2017 के नॉन कॉलेज में आपको मिल जाएगा इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा इसको मैं, लेकिन क्वेश्चन इसके आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है, ये दोबारा आ गया, मैंने कहा था ना एमएम अप्रोच दोबारा आएगा, तो मोदी गिलानी मिलर्स मॉडल, इसमें क्या कैसे पता चलेगा ये मॉडल है, वो बोले है क्वेश्चन के अंदर कि एक इन्वेस्टर एक्स कंपनी में से अपनी 10% इन्वेस्टमेंट स्विच ऑफ करके वाई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो बताओ उसको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि इस बार ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको काम लेगा प्रैक्टिस के लिए, 2017 का नॉन कॉलेज के अंदर, 2013 का कोरस्पोंडेंस, मैंने कम से कम लिखे और भी आपको मिल जाएंगे, ये तो मिले यहां तो मिलेंगे ही मिलेंगे 100%, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप क्या होते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप 2016 के कोरस्पोंडेंस में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको डिवेंचर प्रिफरेंस इन सबके क्वेश्चन दे रखे, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने टेबल फॉर्म में फॉर्मेट बनता है, बड़ा आसान से निकल जाएगा। अच्छा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं इसको लास्ट बीच में लिखा है मैंने, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये अब आए नहीं आए कुछ आपके लक पे डिपेंड करता है, तो लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ये सब फाइंड करना होता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 2015 आपको 15 के कोरस्पोंडेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है कि कैलकुलेशन या फिर वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन बनता है, ये कहाँ मिलेगा आप क्वेश्चन वाला, 2015 के कोरस्पोंडेंस और नॉन कॉलेज में मिलेगा दोनों में, और 2016 के नॉन कॉलेज में मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से स्टेप्स ध्यान रखने पड़ते हैं इसके अंदर, बाकी बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें भी, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होता है, क्रेडिट इवैल्यूएशन पॉलिसी, ये आपका लास्ट चैप्टर आपके एफएम की बुक के अंदर, लास्ट नहीं मतलब लास्ट से सेकंड लास्ट एक तरीके से, तो बताना पड़ता है कि अगर कंपनी प्रेजेंट में 30 दिन का क्रेडिट देती है मान लो, ठीक है, वो 30 दिन के क्रेडिट से कंपनी को उसको बढ़ाना चाहती है, 45 डेज करना चाहती है, तो कंपनी को हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि जो क्रेडिट पीरियड ने बढ़ाया है उससे हमारा प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, सेल्स इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, इतना सा काम होता है। तो बताना कि कंपनी को सेल्स इंप्रूव करनी है, सॉरी मेथड ऑप्ट करना है या नहीं करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बाकी स्टेप इसके भी टू द पॉइंट अप्लाई करने होते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर ये आ गया तो आपका सोने पे सुहागे वाली बात है, फ्री के नंबर ये भी। अच्छा एक लास्ट आपने जो कोस्टिंग में ही पढ़ा होगा, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईओक्यू, इसका क्वेश्चन भी कम शायद 4-5 साल में एक बार आ जाता है, अगर ये आ गया तो बहुत ईजी है ये भी। तो ये हमने आपको सारे क्वेश्चन कौन से बताए हैं, जो आपके जो मैंने स्टार्टिंग के 4-5 टॉपिक बताए वो तो 100% पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये हमने सारी प्रैक्टिकल पार्ट की हमने बात करी है, तो ये वाले हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें हमारा कवर हो जाएगा, 100% क्वेश्चन इसमें से आपके आएंगे,
फ्रेंड्स ये थे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए, आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। फ्रेंड्स ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।